करने आज है संडे और हम अभी इंडियन ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं। अभी इंडियन ग्रोसरी हो गया है हमारा और अभी हम कॉस्को जाएंगे यहाँ से।
अभी 2 बजे हैं और हम आ चुके हैं घर वापस। तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या ग्रॉसरी शॉपिंग की है आज। मैंने कॉस्टको से लिया है ये ऑर्गेनिक योगर्ट, फिर ये मूंग बीन्स, ये भी कॉस्टको से लिया है मैंने, और ये एंटीऑक्सीडेंट मिक्स, ये चिकपीस कॉस्को से, ये ब्रेड, और मैंने लिया है मशरूम्स, ये बटर, और फ्रूट्स मैं कॉस्को से लेती हूँ। तो ये वाटरमेलन्स है, ये मैंडरिन्स है, स्मॉल ऑरेंजेस, और ये है प्लांट्स, ये एग वाइट, और मैंने लिया है कॉस्को से ये मिनी नान, और इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से मैंने लिया है एक पैकेट पफ्ड राइस और मुरमुरा, येलो पीस, राजमा, एक पैकेट सॉल्ट, न्यूट्रेला, रोज वाटर, सोया सॉस, चिली सॉस, और एक पैकेट पोहा, और ये स्पाइसी मिक्सचर है, और बिस्किट लिया है मैंने 3 पैकेट, और ये हल्दीराम का स्नैक्स है, ये बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ या फिर मुरमुरा के साथ खाने में, और ये एक पैकेट मैगी, एक पैकेट पानी पूरी, और कुछ होल स्पाइसेस लिया है मैंने, ये क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, कोकम, और कसूरी मेथी लिया है, और ये किचन क्वीन मसाला है, ये मैं पहले कभी यूज नहीं किया है, ये इस बार फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ मैं, और दैट्स इट। और ये कुकीज मुझे कॉम्प्लीमेंटेड में मिला है, और बस यही इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग। और मैं अपना सारे ग्रॉसरीज जो है वो सब कुछ अरेंज करके रख रही हूँ, मुझे लगता है ये एक मेरे लिए ये काफ़ी बोरिंग जॉब है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि शॉपिंग करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बोरिंग काम यही है कि सब कुछ एक अपने अपने जगह पे ठीक से अरेंज करके रखना। और आज मैं वेजिटेबल्स भी लेके आई हूँ, तो अभी मुझे सारे वेजिटेबल्स को क्लीन करके रखना है फ्रिज में, क्योंकि मैं हमेशा वेजिटेबल्स को क्लीन करके ही फ्रिज में रखती हूँ विनीगर और वाटर से, इसको अच्छे से विनीगर वाटर से क्लीन करके फिर इसको सुखा के फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे मैं जब सुबह कुकिंग करती हूँ तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाता है, ईजी भी होता है काफ़ी, और वेजिटेबल्स भी काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। और मैं कैरेट और क्यूकम्बर को मैं क्लीन नहीं करती हूँ पानी से पहले से, इसको जस्ट पेपर टॉवल से पोंछ के रखती हूँ, क्योंकि पानी से पहले से क्लीन करने से क्या होगा, कैरेट और क्यूकम्बर ख़राब हो जाते हैं।
और अभी टाइम है 4:30 बजे और मेरे वेजिटेबल्स ड्राई हो चुके हैं। मैं इसको अभी वेजिटेबल्स बैग में डाल के फ्रिज में रखूँगी। इसमें क्या होता है कि इस बैग्स में वेजिटेबल्स काफ़ी ऑर्गेनाइज भी रहता है और फ्रेश भी रहता है काफ़ी दिनों तक। और मैं इस लॉ को यही पेंट कर रही हूँ। एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मेरी ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, टेक केयर एंड बाय।